अब जाके उन्होंने मेरी 4200 सैलरी की, तो उसमें साल मैं एक रूम रेंट भी देती हूँ, खुद का खर्च भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, वही झाड़ू पोछा, वही कपड़े धोना, वही सारी चीजें। तो मैं रात में 11:45 में मकान मालिक के पास गई। मैंने कहा आप मुझे 1500 रुपये मेरे अकाउंट में दे दूँ, मैं जैसी मेरी सैलरी मिलेगी मैं आपको उसमें दे दूंगी। उन्होंने मुझे 1500 दिए, बिल्कुल जस्ट उधर से मैं दौड़ती हुई रात में, सब लोग सो गए थे पूरी बिल्डिंग में, फिर मैंने आपका पेज परचेज किया और मुझे सर इतना अच्छा लगा। ओ गुरु क्या है स्टूडेंट की लाइफ में, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता सर। आई कम इन सर। यस नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। क्या नाम है आपका? सर मुझे बोलना नहीं आ रहा आपके सामने। हाँ आराम से आराम से। अभी इंदौर से ही है ना? क्या नाम है आपका? सर नसरीन। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? अभी तो सर इस विजयनगर में मालवीय नगर है ना, वहाँ पे अभी रह रहे हैं और स्कूल में मैं पढ़ाने भी जाती हूँ सर। अच्छा। मैं सर 2017 में इंदौर आई थी और बचपन से एक ड्रीम था सर कि मैं IAS बनूँ। मतलब कोई भी मुझसे पूछता था ना कि आपको क्या बनना, मैं हमेशा बचपन से अपने गांव में थोड़ी पढ़ने में अच्छी थी तो सब ऐसे पूछते थे कि आपका क्या सपना है, तो मुझे नहीं पता था सर कलेक्टर क्या होता। अच्छा, से है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ से? हाँ सर। अच्छा। टीकमगढ़ में जो पलेरा था ना, पलेरा से हूँ सर। ओके। पहले मैं 2017 से मैंने ग्रेजुएशन किया अपना, साथ में रहे भाई उनके, लेकिन सर मैं जो करने आई थी वो तो दिख ही नहीं रहा था, मतलब एक रूम के अलावा कुछ भी नहीं पता था, वही झाड़ू पोछा, वही कपड़े धोना, वही सारी चीज़ें। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अलग रहना, चाहे कुछ भी कोई कुछ भी कहे सर, लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अगर गलत नहीं है ना सर तो कुछ बोलेंगे। तो सर मैंने फिर डिसीजन लिया पापा से, तो सर मतलब गांव की लड़कियों तो सर ऑब्जेक्ट तो आएंगे ना, तो एक साल घर बैठी रही मैं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले पढ़ूंगी, मैं अकेले खुद की दम से कुछ करूंगी। फिर एक साल मेरा पूरा खराब हो गया सर ग्रेजुएशन के बाद, मैं घर पे बैठी रही और ये सोचती रही कि कोई वो दिन ऐसा आएगा कि मैं करूंगी कुछ। फिर सर मैं इंदौर आई, मेरी मतलब जो जीजा जी थे वो मुझे छोड़ने आए इंदौर में। फिर मैं 3 साल से ऐसी भटक रही सर, इधर उधर ये जॉब, बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड की जॉब, इधर जॉब सर, मुझे बिल्कुल भी रात रात में कस्टमर मुझे परेशान करते थे 2-2 बजे रात को, 1-1 बजे रात में। फिर जहाँ मैं रह रही सर वहाँ एक स्कूल है 12th तक, उसमें मैं गई तो वो बोले 3000 सैलरी देंगे, तो सर मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मुझे सैलरी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने सपनों से मतलब है सर। अब जाके उन्होंने मेरी 4200 सैलरी की, तो उसमें सर मैं एक रूम रेंट भी देती हूँ, खुद का खर्च भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। लेकिन जब मैंने सर पहली बार आपको यूट्यूब पे देखा ना, तो मुझे मतलब मैं बचपन से जिस टीचर को ढूंढ रही थी वो टीचर मुझे आपके अंदर दिखाई दिया सर। थैंक यू सो मच। कौन से कोर्स में आप, कौन से कोर्स में? सर अभी मैंने PAB फाउंडेशन लिया। कोर्स कब लिया था आपने? कोर्स अभी लिया सर, जब टीचर्स डे था ना। अच्छा। तो उसका लास्ट था, उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे सर, और फिर मैंने रात में आपका वो वीडियो देखा, आपने बोला कि आज लास्ट चांस है, टीचर डे की वजह से एक दिन और ऑफर बढ़ा दिया गया। तो मैं रात में 11:45 में मकान मालिक के पास गई, मैंने कहा आप मुझे 1500 रुपये मेरे अकाउंट में दे दूँ, मैं जैसी मेरी सैलरी मिलेगी मैं आपको उसमें दे दूँगी। फिर सर उन्होंने मुझे 1500 दिए, बिल्कुल जस्ट उधर से मैं दौड़ती हुई रात में, सब लोग सो गए थे पूरी बिल्डिंग में, फिर मैंने आपका पेज परचेज किया और मुझे सर इतना अच्छा लगा। 3 साल मेरा छूट गया था, मैक्स BBA किया, मुझे नहीं पता सर BBA क्या होता, जैसा करा दिया वैसे मैंने कर लिया। फिर सर जब आपको मैं देखती हूँ, आप पढ़ाते हो, मतलब मैं ना कभी कमेंट करती हूँ सर, कुछ नहीं करती, मुझे जब मैंने आपको कमेंट किया ईमेल पे भी किया कि सर से मुझे मिलना, और जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने सोच लिया था कि जब मैं जॉब लूँगी इसके बाद सर से मिलूँगी, फिर सर मुझसे मिलेंगे वो सारी चीज़ें सर। लेकिन थैंक यू सो मच सर, आप जैसे टीचर हमारी लाइफ में आ गए, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे सर। तो अभी जॉब का टाइम आपका क्या होता है? सर मैं सुबह 7:13 पे चली जाती हूँ रूम से, फिर वहाँ से 12:10 पे बेल लगती है, फिर बच्चों को निकालना पड़ता है 12:30। मैं तुरंत अपनी मोबाइल बैग से मोबाइल निकालूंगी, वो क्लास को चालू कर लूँगी, घर आऊँगी, पहले MPGK लूँगी, इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। अच्छा। और सर जो कोचिंग के बच्चे, 4 बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि सर 4200 में इंदौर जैसी सिटी में कुछ भी नहीं होता सर, बहुत बहुत मुश्किल है। तो सर फिर मैं उनको पढ़ा देती हूँ, मतलब 2 बच्चे वो 700 देते, कोई 900 देते, ऐसे 400 के हिसाब से, तो मैं उनको पढ़ा देती हूँ। फिर बच्चे सुबह की क्लास होती है,
उस समय तो आप स्कूल में रहते हैं। हाँ सर, 7-13 पे। और आपकी सर, आपकी सर मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ रात में। और एक दिन तो सर जो आपकी क्लासेस छूट गई थी ना, मैंने पूरी रात देखी वो क्लासेस। 4 क्लासेस 3 बजे सोई थी सर में, फिर सुबह स्कूल गई। लेकिन बस ये सर कि 12th जब किया था ना तो लॉन्ग मेथड आती, लेकिन आप जब पढ़ाती ना तो मैं सोचते रह जाती कि रेशो को मैं जहाँ इतना आधा पेज भर के पढ़ाती थी, और सर आपका एक पेन में खत्म हो जाता पूरा आंसर। तो मुझे आपने अभी इतने सारे कम से कम 6 कॉन्सेप्ट बता दिए, मुझे पूरे याद है सर कि कैसे आपने पढ़ाई वो सारी चीजें। सर मैंने अपना 1 साल बर्बाद किया, 3 साल मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं स्कूल में गई थी तो सर बोले आप तो BBA करके आए, आप मैथ्स कैसे पढ़ाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता सर BBA क्या होता, मैंने सिर्फ कर लिया उसको रट के। सबकी यही हालत है, ग्रेजुएशन कर रहे तो सब घूम रहे, लेकिन ड्रीम किसी के भी नहीं है सर, ना वो अचीव कर पाते हैं। तो अभी आप अकेले ही रहते हैं? जी सर, मैं अभी अकेली रह रही, खुद की उस पे रह रही सर। और बाकी टाइम पे पढ़ाई करते हैं। जी सर, इंदौर में 3 साल हो गए मुझे। जब मैंने आपको यूट्यूब पे देखा आदित्य सर, मैं फिर डेली मैंने आपके वीडियोस फॉलो करना स्टार्ट किया। मैंने डेली आपके वीडियोस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आप बताते सारी चीज़ें मैंने देखी। फिर एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा मैं सर से मिलूंगी, मैंने मेल भी किया, बहुत सारी चीज़ें की। अब मुझे लग रहा सर यूट्यूब पे आपने कैसे सबसे पहले कैसे जुड़े आप विनर्स के? सर सबसे पहले जो वैकेंसी रहती ना तो मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा कोई नहीं बताता ये पटवारी की बहुत दिन से सुन रहे, तो सर बाकी जो जॉब्स हैं उनमें ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन पटवारी मुझे लगता है कि आप अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो निकल जाएगा। आपने शायद 2-3 महीने पहले एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी कि पटवारी में क्या सिलेक्शन रहेगा, कब तक उसकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, कैसे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी वो। तो मुझे लगा कि सर में कुछ बात है और सर से जुड़ के हम कुछ कर सकते, मतलब आपने सारी डिटेल उसमें समझाई। और फिर सबसे मेन चीज़ सर जो आप बताते हो कि वैकेंसी आना एक अलग चीज़ है और फॉर्म भरना एक अलग चीज़ है, क्योंकि पहले से अगर आपकी तैयारी की तभी आप उसमें निकलोगे, वरना कुछ नहीं। फिर मैंने आपको वो, फिर मैंने आपके और भी वीडियोस मैथ्स के और आपके मोटिवेशनल, फिर आपने वो अपना होम का वो वीडियो, तो मुझे फिर मतलब एक जुड़ाव सा हो गया। और सर एक वो आपकी बात के वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बोलते कि सारे रिश्तेदार और सारे परिवार सारे गांव, मम्मी को ज्यादा टेंशन रहता। आज ही आप आज की क्लास देखना, आज इसी पे बात हुई है क्लास में कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हो ना तो आपका कोई साथ नहीं देता। सब आपको मतलब सब आपको क्रिटिसाइज करेंगे, सब आपको भला बुरा बोलेंगे। उसका एक इलाज है कि इस चीज को बस आग में बदलो कि ठीक है, बन के दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सब आपके साथ हो जाएंगे वापस, फिर सब बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छी बात है। मुझे आज ऐसा लग रहा ना कि मतलब मेरी लाइफ में इतनी मतलब इतनी बड़ी हो गई, मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ। जैसे आपसे बात करके मुझे लग रहा कि जिस गुरु की मुझे तलाश थी ना वो मिल गया। वो गुरु क्या है स्टूडेंट की लाइफ में, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता सर। देखो क्या है, आपने जो अभी तक समय बिताया है जिस चीजों से निकले ना, तो एक चीज इससे आपको ये समझ में आ गई होगी कि अगर हमारा उद्देश्य सही है तो रास्ता अपने आप मिलता है। जी सर। आपको देखो अच्छा स्कूल मिल गया, वहाँ पे सर आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई हो गई वो बहुत अच्छी चल रही है। जी सर। तो क्यों अच्छा हो रहा है, क्योंकि उद्देश्य सही था। जी सर। सही उद्देश्य से काम कर रहे हैं, ऊपर वाला परीक्षा जरूर लेता है। चलो ऐसे ही आप बहुत अच्छे से, आप देखो जोश जुनून सबसे ज्यादा चाहिए जो आपके पास बहुत है, बस इसको आप इसी तरह सही जगह लगाओ और बन के दिखाओ। मैं एक बार दिखा दूं कि मैं लड़की हूँ ना तो लड़कियां सब कर सकती। और मैं जिस गांव से हूँ, मतलब पलेरा के अंदर एक छोटा सा गांव आता है सर, मैं वहां से हूँ, और उस गांव में किसी ने भी अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजा सर पढ़ाने के लिए। सर मैं अपने पापा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इंदौर में अकेले रहने के लिए भेजा वो सारी चीजें। तो मैं पापा का बहुत ज्यादा वो करती हूँ, और मैं अपने पापा को पता वो कभी डीमोटिवेट होते तो मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में सर ये रहता ना आपको टेंशन, ना आपको तैयार होने का कि मुझे इतना टाइम तैयार होने में चाहिए, आना जाना, हाँ वो आना जाना वो सारी चीजें, क्लास का टाइम वो सारे काम छोड़ के क्लास ले लो, बाद में काम करते करते क्लास ले लो, वो सारी चीजें सर। लेकिन मैं आपकी क्लास सर कोई काम नहीं करती हूँ, किसी भी क्लास में सर पढ़ाते हिंदी में बोलते नोट्स बनाओ, मैं नोट्स तुरंत ही नोट करती हूँ सर। लेकिन सर आपसे मिलके और मेरा और जो मतलब जज्बा है ना करने का वो और बढ़ गया सर। ऐसे मतलब सर आपके नाम के कितनी होगी, लेकिन सर जहाँ भी देखो वहाँ विनर्स, जहाँ अभी मैं खड़ी थी ना तो मैं बहुत मायूस थी, मैंने कहा मैं कहीं गलत तो नहीं आ गई सर, मिलेंगे कि नहीं, लेकिन स्टूडेंट ने कर रहे थे पीछे बैक पे विनर्स, तो मुझे लगा कि सही जगह आए। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला सर, मुझे पता है कि आपका टाइम मतलब कितना कीमती है, फिर भी सर आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। हमारा समय स्टूडेंट्स के लिए ही है, दिन भर हम स्टूडेंट्स के साथ ही रहते हैं, या तो ऑनलाइन में पढ़ाएंगे नहीं तो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, नहीं तो आप जैसे स्टूडेंट मिलने आते हैं तो सबसे मिलते हैं, स्टूडेंट्स के साथ ही रहते हैं हम दिन भर। थैंक यू सर, सब उन्हीं के लिए है। चलिए तो बहुत अच्छा है,
ऐसे ही आप बढ़िया मेहनत करिए और विनर्स का सपोर्ट आपके साथ है, निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच सर। अच्छे से मेहनत करिए पढ़ाई में, क्लासेस में, कभी कुछ आपको लगे या किसी भी प्रकार की दिक्कत आए या कुछ आपको लगे कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ये मुझे और हेल्प कर देगा, तो आप बिंदास बताना। अब ये आपको तो बस अब सिलेक्शन लेके दिखाना है जी सर, और आपको क्या चाहिए वो आप मुझे बताना जी बस। सर मैं आपसे जुड़ गई सर, बिनास से मैं जुड़ गई तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं जो करने आई थी वो करके जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने कोर्स परचेज किया था ना सर, मैं सच में रियल बता रही, मतलब मेरे पास सर खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मतलब जब उनको मैंने, इतनी खुशी हुई, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा दीदी आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली, क्या, मैंने कहा मैंने सर का वेज परचेज कर लिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे एक एनर्जी मिली है आपसे मिलके, तो बल्कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं और ये मतलब क्या है पूरा ब्याज सहित मिलेगा बाद में वापस, अच्छा है, लगे रहो आप जी सर, बहुत अच्छी मेहनत आप कर रहे हैं और अब विनर्स में आ गए हैं तो फिर अब कोई टेंशन नहीं है जी सर। वो अभी मैं बैठी थी ना तो मैंने एक फोटो क्लिक की तो वहाँ जैसे मैंने साइट में देखा तो वहाँ लिखा था कि विनर्स में हो तो स्माइल, तो मुझे तुरंत ही हंसी आ गई सर। मैं बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना सर से मिलूंगी तो मैं कैसे बात करूंगी क्योंकि मैं बहुत रोना आ रहा था। देखो क्या है, मुस्कुराहट जो है या व्यक्ति का खुश होना बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर देता है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए जी सर। थैंक यू सर। चलिए क्लास का टाइम है चार पाँच हाँ। मैं आई बस में बैठ के ही लेती जाऊंगी। अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। चलिए बिल्कुल।